हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे स्विस फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम स्विस एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने इसकी पावर्स की एंड आज हम जो स्विस एग्जीक्यूटिव और फेडरल गवर्नमेंट है इसका कंपैरिजन करेंगे विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिक फेडरल गवर्नमेंट है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है एक पर्सन को ना देकर सभी के सभी मेंबर्स को दी गई है, तभी तो वहां पर प्लूरल एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज किया जाता है जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं। अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं तो वहां पर एक पर्सन के पास सभी पावर्स होती हैं, या तो वो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। इसीलिए हम इसका दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम ब्रिटिश के साथ कंपेयर करते हैं तो मींस हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम अमेरिका के साथ कंपैरिजन करते हैं तो मींस हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन स्विस फेडरल गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश कैबिनेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ब्रिटिश कैबिनेट है ये क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सभी की सभी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं एंड प्राइम मिनिस्टर की एक कैबिनेट होती है जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं। जो मेंबर्स क्या करते हैं, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। तो इसीलिए हम ब्रिटिश कैबिनेट के साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसके 7 मेंबर्स है इनको कंपेयर करते हैं। तो पहले हम करते हैं सिमिलैरिटीज, फिर करेंगे डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज जो स्विस फेडरल गवर्नमेंट है एंड ब्रिटिश कैबिनेट है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। फर्स्ट वन इज बोथ आर एग्जीक्यूटिव कमिटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर। जो ब्रिटिश की कैबिनेट है एंड स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट है, जे अपने अपनी कंट्री में जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में काम करते हैं। ये मेंबर जो भी पार्लियामेंट की कमेटीज होती हैं, उन कमेटीज के हेड होते हैं। इसीलिए दोनों क्या है, एग्जीक्यूटिव कमेटीज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंड बोथ कैन इंट्रोड्यूस द बिल्स इन लेजिस्लेचर। स्विट्जरलैंड में भी एंड ब्रिटिश में भी क्या है, दोनों की दोनों जो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, कैबिनेट्स होती है, वो पार्लियामेंट में बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है। स्विट्जरलैंड में इनफैक्ट 95% बिल्स हैं, वो बिल्स जो स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट है इसके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो दोनों बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं एंड अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर भी देते हैं, लेकिन इनको वोट देने का राइट नहीं है। पावर्स ऑफ बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल। अगर हम ब्रिटिश की कैबिनेट की बात करें या फिर फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं इनकी बात करें तो दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल ही पावर्स मिली हुई हैं। अब डिसिमिलैरिटीज, इन दोनों में क्या डिसिमिलैरिटीज है। जो स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट है एंड ब्रिटिश की कैबिनेट है, फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन देयर साइज एंड कंपोजिशन। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में 7 मेंबर्स होते हैं, जबकि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश में इसमें 20 से 25 मेंबर्स तक हो सकते हैं। एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या है, स्विट्जरलैंड में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इसमें इलेक्ट किए जाते हैं। एंड ब्रिटिश में क्या है, जे मेंबर्स हैं जे किंग के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही इनको नॉमिनेट किया जाता है। तो इनके साइज एंड कंपोजिशन, इन दोनों में भी डिफरेंस है। नेक्स्ट इज डिफरेंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल होमोजेनिटी, मींस जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश के कैबिनेट के मेंबर्स कौन से होते हैं, जो पार्टी इलेक्शन में विनर रहती है, जिसके पास मेजोरिटी होती है, उसी के मेंबर्स होते हैं, वही कैबिनेट के मेंबर बनते हैं।
लेकिन स्विट्जरलैंड में कभी भी पॉलिटिकल होमोजेनिटी है इस क्लॉज को नहीं यूज किया जाता। वहां पर जो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड पर्संस होते हैं वो स्विस फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर बन जाते हैं, वहां पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं है। लेकिन ब्रिटिश में इस कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल को अच्छे से अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस रिगार्डिंग मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। मेंबरशिप इन पार्लियामेंट ब्रिटिश में कंपलसरी है। अगर कोई भी मेंबर है वो कैबिनेट का मेंबर बनना चाहता है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, मींस अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा तो उसको कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट में नहीं लिया जा सकता। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है कि जो भी मेंबर अगर पार्लियामेंट से लिया जाता है तो उसको पार्लियामेंट से अपनी मेंबरशिप को रिजाइन देना पड़ता है। इट मींस क्या हो गया, मेंबरशिप के रिगार्डिंग डिफरेंस हो गया। ब्रिटिश में पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं लेकिन स्विट्जरलैंड में जी पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं, हर एक मेंबर अपने काम के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक मेंबर ने रिजाइन देना है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि सभी के सभी मेंबर रिजाइन देंगे, तो वहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क नहीं करे। लेकिन ब्रिटिश में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, इसको अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट इज डिफरेंस अबाउट देयर टेन्योर। जो फेडरल गवर्नमेंट है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में 4 इयर्स का टेन्योर फिक्स किया गया है, लेकिन जो ब्रिटिश है इसका टेन्योर फिक्स नहीं है। जी कब तक अपनी पोजीशन पर रहते हैं, जब तक इनको लोअर हाउस है इसका कॉन्फिडेंस मिलता है तब तक जी कैबिनेट के मिनिस्टर्स है बने रहते हैं, तो इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास कर भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की जो फेडरल एग्जेक्टिव है इनका टेन्योर फिक्स्ड होता है और इनको डिसमिस रिमूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। जो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं उसकी पोजीशन क्या है, बहुत ज्यादा वीक पोजीशन है, क्योंकि जो 7 मेंबर्स है सभी को इक्वल पावर्स दी गई हैं, सभी के सभी मेंबर्स क्या है इक्वल पावर यूज करते हैं, तो उसमें जो प्रेसिडेंसी है वो भी रोटेशनल है, एक ईयर के लिए ही हर एक मेंबर है प्रेसिडेंट बनता है, इसीलिए जो प्रेसिडेंट के कोई भी स्पेशल पावर नहीं दी गई है। तो जो ब्रिटिश के कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर होता है वो सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको कहा जाता है मून अमंग द स्टार। लेकिन जो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं इनके लिए कहा जाता है फर्स्ट अमंग इक्वल, सभी इक्वल हैं, उनमें से जे पहले नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस अबाउट द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर पावर्स। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में जितने भी 7 मेंबर्स हैं सभी के स्टेटस भी इक्वल है और सभी के पास पावर्स भी इक्वल है, लेकिन ब्रिटिश में जो मिनिस्टर्स हैं इनका ना स्टेटस इक्वल है ना इनके पावर्स इक्वल है। नेक्स्ट इज डिफरेंस अबाउट देयर ओरिजन। इनके ओरिजन के रिगार्डिंग क्या डिफरेंस है। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में फेडरल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया है तो ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फॉर्म किया था, लेकिन जो ब्रिटिश है इसमें जो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही कैबिनेट बन चुकी है, तो ब्रिटिश में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जे क्या है, एक कन्वेंशन बेस्ड है लेकिन जे की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस तरह जो स्विट्जरलैंड है एंड ब्रिटिश है इन दोनों में डिफरेंस है, जिसमें हम जे कहते हैं जो स्विट्जरलैंड में ब्रिटिश के कंपैरिजन जो मिनिस्टर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन वो सभी इक्वल है,
वो जो भी फेडरल पार्लियामेंट कहती हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल होमोजेनिटी को प्रिंसिपल को अडॉप्ट ना करकर नेशनल यूनिटी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, जिससे स्विट्जरलैंड का फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल एग्जीक्यूटिव है, जो यूनिक बन जाती है। अब हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्विस फेडरल गवर्नमेंट एंड अमेरिकन एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के पास ही सभी की सभी पावर्स है। तो अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के साथ स्विट्जरलैंड की क्या सिमिलैरिटीज है एंड क्या डिसिमिलैरिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटीज, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है एंड स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट है, स्विट्जरलैंड में क्या है, दोनों का टेन्योर फिक्स है, इनको टाइम से पहले रिमूव नहीं किया जा सकता, दोनों का टेन्योर 4 इयर्स के लिए फिक्स किया गया है। तो जो अमेरिका के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो ही अपने मिनिस्टर्स को खुद चुनते हैं, तो इनका टेन्योर फिक्स है। पार्लियामेंट है जो अमेरिका की कांग्रेस है, इनको रिमूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ बोथ आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। स्विट्जरलैंड में भी एंड अमेरिका में भी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं एंड स्विट्जरलैंड में जो फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल काउंसिल के मेंबर हैं वो फेडरल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट एंड कांग्रेस है, इनके मेंबर्स नहीं होते हैं। अगर इनके मेंबर सिलेक्ट कर भी लिए जाएं तो इनको लेजिस्लेचर से अपने मेंबरशिप को रिजाइन देना पड़ता है। नेक्स्ट इज बोथ डोंट हैव द पावर्स टू गेट फेडरल लेजिस्लेचर डिसॉल्व। जो अमेरिका की एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, एंड स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट है, ये दोनों ही लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करना एग्जीक्यूटिव के हाथों में नहीं होता है। तो ये थी सिमिलैरिटीज। नाउ डिसिमिलैरिटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्विस फेडरल गवर्नमेंट एंड अमेरिकन एग्जीक्यूटिव में। फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड। दोनों के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के प्रेसिडेंट की जितनी पावर्स किसी के पास नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो प्रेसिडेंट है उनके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, तो वो उसकी नियर भी नहीं है इन पावर्स। तो जो पोजीशन है दोनों की पोजीशन में बहुत डिफरेंस है। अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इनकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो प्रेसिडेंट है इनकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा वीक होती है। वो सिर्फ 1 साल के लिए ही प्रेसिडेंट होते हैं और उनकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशनल होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इन देयर कॉम्पोजिशन। इनकी कॉम्पोजिशन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव को ज्वाइंट कमेटी में ही इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अमेरिका में जो फेडरल गवर्नमेंट है, मीन जो फेडरल लेवल पर प्रेसिडेंट है, वो खुद ही अपने कैबिनेट के मेंबर्स हैं, इनको नॉमिनेट करते हैं, फिर सेनेट की अप्रूवल होती है, इस तरह उनकी कैबिनेट चुनी जाती है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में क्या है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इनमें ही इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन द रिलेशन विद लेजिस्लेचर। इनका लेजिस्लेचर के साथ क्या रिलेशन है। स्विट्जरलैंड के जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन जब भी इन मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग्स में फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर उस देश की पार्लियामेंट है क्वेश्चन पूछती है उसका आंसर भी देती हैं, लेकिन अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव है कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल ही नहीं होते हैं। वहां पर जो कैबिनेट है वो सिर्फ प्रेसिडेंट को ही आंसरेबल होते हैं, तो उनका
लेजिस्लेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो लेजिस्लेचर है इनके साथ क्लोज रिलेशनशिप है। 95% तक जो बिल्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्विस एग्जेक्टिव इज प्लूरल, वेयर एज अमेरिकन एग्जेक्टिव इज सिंगुलर। स्विट्जरलैंड में जो एग्जेक्टिव है जो प्लूरल है मीन्स यहाँ पर 7 मेंबर्स हैं, जे मेंबर्स ही एक तरह से हेड होते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। लेकिन अमेरिका में एक प्रेसिडेंट होते हैं, वो ही अपनी डिसीजंस लेता है। कैबिनेट की डिसीजन को मानना या ना मानना वे प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है, इसीलिए प्रेसिडेंट क्या है अपनी पावर्स को खुद ही यूज कर रहा है। एंड लास्ट वन इज अमेरिकन एग्जेक्टिव इज मोर इंडिपेंडेंट इन कंपैरिजन टू स्विस एग्जेक्टिव। अमेरिका में क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इसीलिए जो कांग्रेस है कांग्रेस एग्जेक्टिव के जो मैटर्स है इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसीलिए तो जो अमेरिका के एग्जेक्टिव है जो इंडिपेंडेंट होती है, प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन ले इसमें कभी भी किसी की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है। लेकिन वहां पर चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू क्या किया गया है, जो बैलेंस है वो मेंटेन किया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में क्या है स्विट्जरलैंड में जो एग्जेक्टिव है एग्जेक्टिव को पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया है। वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वर्क नहीं करता है। एंड इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड में पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करती है जो कुछ भी कहती है स्विस फेडरल गवर्नमेंट वो ही काम करती है। इस तरह जो एग्जेक्टिव है इनमें डिफरेंस है। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं जो स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट है जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, जो हार्मोनी के बेस पर काम करती है। इसका काम ये नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करना है, इसका काम है कि देश की यूनिटी के लिए प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना है। विद दिस स्विट्जरलैंड का जो फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है जी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट। होप सबके आपको जी सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।